हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपका कार्ड बंद हो जाएगा अगर आपने ये काम नहीं किया तो। और अगर आप अभी तक ये काम कर रहे हैं तब तो श्योर एंड सर्टनली बहुत ही जल्दी आपका कार्ड बंद होने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक न्यूज़ आई है जो कि एक बैड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो अपने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और एक्सिस बैंक के रिवॉर्ड प्रोग्राम कैशबैक का बेजा फायदा उठाते हैं। उनका कार्ड बहुत ही जल्द बंद होने वाला है। तो क्या खबर है, जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अपील करूंगा, चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज आपको से कभी भी मिस ना हो। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि हर तरह के लूट ऑफर्स की पोस्ट आपको तुरंत मिल सके और आप उन सभी ऑफर्स का फायदा उठा सके। तो दोस्तों, एक्सिस बैंक की तरफ से जो अपडेट आया वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। लेकिन अब दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का जमाना गया, अब प्रीपेड कार्ड्स आ रहे हैं मार्केट में जो आपको काफी अच्छा बेनिफिट दे रहे हैं। इस लिस्ट में अभी नंबर वन प्रीपेड कार्ड है टाइड का प्रीपेड कार्ड। आप आज ही अपना टाइड का प्रीपेड कार्ड बना लीजिए। हर महीने यूजर्स को काफी जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं। पहली बार आप लेंगे कार्ड तो आपको 100 रुपए का अमेजोन गिफ्ट कार्ड मिलेगा। फिर 10 ट्रांजेक्शन आप कर लेंगे तो 400 का अमेजोन गिफ्ट कार्ड मिलेगा। उसके बाद 20,000 रुपए टाइट कार्ड में ऐड करेंगे तो 800 रुपए का अमेजोन गिफ्ट कार्ड मिलेगा। कई यूजर्स को ऑफर आ रहा है 50,000 रुपए टाइट कार्ड में ऐड कीजिए, 1,500 रुपए का अमेजोन गिफ्ट कार्ड मिलेगा। आप जो भी पैसे ऐड करते हैं उसे आप आसानी से बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज ही अपना टाइट अकाउंट बना के टाइट कार्ड ले लीजिए, काफी फायदे में रहेंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, मेरा रेफरल कोड जरूर लगाइएगा, तभी आपको साइन अप बोनस के तौर पर 100 रुपीज का अमेजोन गिफ्ट कार्ड मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारी मेन न्यूज की तरफ, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को लेकर क्या पूरा अपडेट आया है। दोस्तों, आप जानते हैं अभी एक्सिस बैंक ने अपने एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड या फिर एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड को काफी ज्यादा डीवैल्यू कर दिया है। इतना ज्यादा डीवैल्यू कर दिया है कि उन कार्ड में अब कुछ ज्यादा बचा ही नहीं है। लेकिन अब आने वाले समय में ये डिवेल्युएशन कंटिन्यू नहीं होने वाला है। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपको अच्छे ऑफर्स मिलेंगे? नहीं, कार्ड में अब एक्सिस बैंक डिवेल्युएशन नहीं करेगा, वो सीधे सीधे आपके कार्ड को सस्पेंड कर देगा, यानी कि क्लोज कर देगा। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि आपका कार्ड क्लोज हो जाए तो आप संभल जाइए। आप स्क्रीनशॉट में देखिए एक्सिस बैंक किस तरह का ईमेल कई सारे यूजर्स को भेज रहा है, जहां पे वो बता रहा है कि उन्होंने आपके ट्रांजैक्शंस को रिव्यू किया है और पाया है कि आपके ट्रांजैक्शन कमर्शियल ट्रांजैक्शन है या फिर कह लीजिए बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जो कि आप प्राइवेट क्रेडिट कार्ड यानी पर्सनल क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों, जो क्रेडिट कार्ड हमें मिलते हैं जनरली वो पर्सनल यूज के लिए होते हैं, आप उनका कमर्शियल यूज नहीं कर सकते। बिजनेस पर्पज के ट्रांजैक्शन आप उन कार्ड से नहीं कर सकते। लेकिन काफी लोग कार्ड्स को काफी ज्यादा कमर्शियल पर्पज में यूज करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन में यूज करते हैं, जैसे कि रिपीटेडली मोबाइल फोन परचेज करते हैं सेल करने के लिए या किसी भी पर्पज से। तो एक्सिस बैंक उन सब ट्रांजेक्शन को अब क्लासिफाई कर रहा है और यूजर्स को इस तरह के मैसेज भेज रहा है और उनसे इनवॉइस की मांग कर रहा है और इसी के साथ 30 दिन का टाइम दे रहा है। 30 दिनों के भीतर में अगर वो लोग इन ट्रांजेक्शन को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, इनवॉइसेस वगैरह प्रूफ के साथ सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो एक्सिस बैंक उनके कार्ड को सस्पेंड कर देगा, यानी कि कैंसिल कर देगा। और एक बार अगर आपका क्रेडिट कार्ड कैंसिल हो गया तो कार्ड मिलने में बहुत मुश्किल आएगी। तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, माइजोन क्रेडिट कार्ड, ये सब बेहतरीन कार्ड्स है, आप इनको मिसयूज करना आज से ही बंद कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, जब आपको कार्ड मिलता है तो आप MITC साइन करते हैं। MITC मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, जहाँ पे क्लियरली लिखा रहता है कि अगर आप अपने कार्ड को किसी कमर्शियल यूज में यूज करेंगे, बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेंगे, जैसे कि बड़े बड़े ट्रांजेक्शन आप करते हैं और वो किसी बिजनेस पर्पस के लिए होता है, तो उस टर्म्स एंड कंडीशंस में साफ लिखा रहता है, बैंक के पास राइट है, वो आपके कार्ड को कभी भी कैंसिल कर सकता है, क्योंकि कमर्शियल यूज इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड ऑन पर्सनल क्रेडिट कार्ड्स। कमर्शियल यूज या बिजनेस ट्रांजेक्शन आपको करना है तो वो सब कॉरपोरेट कार्ड्स अलग होते हैं, आप उन कार्ड से जितना मन चाहे हेवी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं या फिर बिजनेस नेचर के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल कार्ड से ये अलाउड नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके इन स्क्रीनशॉट्स में
सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बैंक अगर कार्ड की वैल्यूएशन को डी वैल्यू दिन ब दिन करते रहेगा तो कोई उनके कार्ड्स लेगा नहीं। तो अब एक्सिस बैंक ने एक नया सिस्टम जनरेट किया है और अभी आप जानते हैं एआई काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो रहा है, तो अब बैंक्स भी एआई का यूज़ करेंगे आपके सभी ट्रांजेक्शन को स्कैन करने के लिए। अगर किसी बिजनेस नेचर का ट्रांजेक्शन पाया जाएगा आप सीधे सीधे क्लोज कर देंगे। तो ऐसा ना हो इसके लिए आप अपने क्रेडिट कार्ड को पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कीजिए, किसी भी तरह के बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कार्ड से मत कीजिए। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से मल्टीपल टाइम्स मोबाइल फोन तरह तरह के खरीद रहे हैं या फिर ह्यूज क्वांटिटी में खरीद रहे हैं या फिर अपने कार्ड से रिपीटेडली बड़े बड़े अमाउंट किसी मर्चेंट के थ्रू बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अब आप इस तरह के ट्रांजेक्शन से बचिए वरना आपका कार्ड क्लोज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आशा करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को एक लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।